सनसनी ऑफ इंडिया। क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज ने SBI बैंक से 24 करोड़ के क्रेडिट लोन की ठगी करके 6 साल से फरार चल रहे 51 वर्षीय शातिर ठग सुरेंद्र यादव को रेवाड़ी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने SBI बैंक, सिंडिकेट बैंक व जम्मू एंड कश्मीर बैंक के पास एक ही विवादित संपत्ति के दस्तावेज गिरवी रखकर करोड़ों रुपयों का लोन लिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद 2016 से आरोपित फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था। क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज ने 6 साल से फरार चल रहे साथी ठग सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी ने विवादित प्रॉपर्टी के पेपर रखकर SBI बैंक चांदनी चौक ब्रांच से 24 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन उसने कभी लोन नहीं चुकाया। 2016 में आरोपी के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ था, तभी से साथी ठग सुरेंद्र यादव फरार चल रहा था। कोर्ट ने भी साथी ठग सुरेंद्र यादव को भगोड़ा घोषित किया हुआ था। राजेश देव ने बताया कि क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज के ACP संतोष कुमार की सुपरविजन में इंस्पेक्टर जयप्रकाश की टीम SBI बैंक की चांदनी चौक ब्रांच से करोड़ों रुपयों की ठगी के एक मामले में 6 साल से फरार व 25,000 के इनामी 51 वर्षीय शातिर ठग सुरेंद्र यादव को दबोचने के लिए आरोपी की मूवमेंट्स और इन्फॉर्मेशन पर काफी समय से काम कर रही थी। इंस्पेक्टर जयप्रकाश के नेतृत्व में SI सम्राट खटियान, हेड कांस्टेबल सुधीर, सुनील व सतपाल की एक टीम टेक्निकल व मैनुअल सर्विलांस से आरोपी पर नजर रखे हुए थी। शातिर ठग सुरेंद्र यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। आरोपी ने अपने पुराने सभी मोबाइल फोन भी बंद कर दिए थे। शातिर ठग सुरेंद्र यादव को दबोचना इंस्पेक्टर जयप्रकाश की टीम के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आरोपी काफी समय से अपने परिवार के किसी भी सदस्य के संपर्क में नहीं था और साथ ही आरोपी ने अपने पास मोबाइल रखना भी बंद कर दिया था। मुखबिरों से आरोपी की बेंगलुरु, उत्तराखंड, सहारनपुर, UP व हरियाणा में मूवमेंट्स की इन्फॉर्मेशन तो मिल रही थी, लेकिन आरोपी इतना शातिर था कि हर थोड़ी देर बाद अपनी लोकेशन बदल लेता था। शातिर ठग सुरेंद्र यादव को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर जयप्रकाश की टीम ने उत्तराखंड, सहारनपुर, UP व हरियाणा में आरोपी के सस्पेक्ट ठिकानों पर कई बार छापेमारी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज इंस्पेक्टर जयप्रकाश के नेतृत्व में SI सम्राट खटियान, हेड कांस्टेबल सुधीर, हेड कांस्टेबल सुनील व हेड कांस्टेबल सतपाल की एक टीम ने आरोपी के बंद मोबाइल की पिछले 5 साल की कॉल डिटेल हिस्ट्री खंगाली, एक एक नंबर को बारीकी से स्कैन किया। टीम ने कुछ सस्पेक्ट नंबरों को पॉइंट आउट करके सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन काफी समय तक सस्पेक्ट मोबाइल नंबरों से आरोपी की कोई मूवमेंट्स नहीं मिली। शातिर ठग सुरेंद्र यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज के ACP संतोष कुमार को पूरा शक था कि आरोपी ने अभी तक अपना कोई स्थायी ठिकाना नहीं बनाया, इसलिए आरोपी कुछ एक समय के बाद अपना ठिकाना बदल लेता है। आरोपी पिछले 6 साल से फरार था और इतने लंबे समय तक बार बार अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर रुकना संभव नहीं है। हो न हो आरोपी हर एक नई जगह जाकर किसी होटल आदि में जरूर रुकता होगा। होटल आदि में रुकने के लिए पहचान के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट कोई एक देना होता है। क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज के ACP संतोष कुमार की सुपरविजन व इंस्पेक्टर जयप्रकाश के नेतृत्व में SI सम्राट खटियान ने दूसरे एंगल पर काम करना शुरू किया, लेकिन टीम को आरोपी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड व पासपोर्ट से होटल बुकिंग की कोई हिस्ट्री नहीं मिली। SI सम्राट खटियान ने आरोपी के परिवार, नजदीकी दोस्तों व सस्पेक्ट रिश्तेदारों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड व पासपोर्ट को स्कैन किया तो पता चला कि आरोपी के एक बहुत ही करीबी दोस्त के आधार कार्ड से बेंगलुरु, उत्तराखंड, सहारनपुर, UP व हरियाणा में कई बार होटल की बुकिंग हुई है। SI सम्राट खटियान ने तुरंत ही सस्पेक्ट दोस्त के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि सस्पेक्ट दोस्त पिछले काफी समय से दिल्ली से बाहर ही नहीं गया है। क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज के ACP संतोष कुमार का शक सही निकला। जांच में पता चला कि बेंगलुरु, उत्तराखंड, सहारनपुर, UP व हरियाणा में शातिर ठग सुरेंद्र यादव ने होटल बुकिंग में अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त का आधार कार्ड इस्तेमाल किया है। दिनांक 28 फरवरी 2022 को SI सम्राट खटियान को इन्फॉर्मेशन मिली कि शातिर ठग सुरेंद्र यादव ने अपने दोस्त के आधार कार्ड से उत्तराखंड में होटल बुक किया है। इन्फॉर्मेशन कंफर्म होते ही क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज इंस्पेक्टर जयप्रकाश ने संतोष कुमार ACP क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। संतोष कुमार ACP क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज ने इन्फॉर्मेशन से क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया।
शातिर ठग सुरेंद्र यादव को दबोचने के लिए राजेश डीओ डीसीपी क्राइम ब्रांच ने संतोष कुमार एसीपी क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज की सुपरविजन और इंस्पेक्टर जयप्रकाश के नेतृत्व में एसआई सम्राट खटियान, हेड कांस्टेबल सुधीर, सुनील व सतपाल की एक टीम का गठन किया। टीम ने उत्तराखंड में आरोपी के सस्पेक्ट होटल पर छापेमारी की, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी होटल से चेकआउट करके जा चुका था। मजबूरन टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। 10 घंटे के सफर के बाद टीम जब उत्तराखंड से वापस दिल्ली लौट रही थी, तभी एसआई सम्राट खटियान को एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि शातिर ठग सुरेंद्र यादव ने अपने दोस्त के आधार कार्ड से रिवाड़ी हरियाणा में होटल बुक किया है। लगातार कई घंटों के सफर से टीम थक चुकी थी, लेकिन शातिर ठग सुरेंद्र यादव को दबोचने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। टीम रास्ते से ही रिवाड़ी की ओर मुड़ गई। रिवाड़ी में सस्पेक्ट ठिकाने पर छापा मारकर शातिर ठग सुरेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में शातिर ठग सुरेंद्र यादव ने बताया कि वर्ष 2010 में वित्तीय सहायता के लिए एसबीआई बैंक की चांदनी चौक शाखा में संपर्क किया था। उसने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्रेडिट लोन की मांग की थी। उसने खुद को प्रगति एसोसिएट्स का मालिक बताया था। संपत्ति गिरवी रख बैंक ने उन्हें 24 करोड़ क्रेडिट लोन दे दिया। आरोपी ने आवश्यकता अनुसार क्रेडिट लोन का लाभ उठाया, लेकिन बैंक को कभी लोन नहीं चुकाया। एसबीआई बैंक ने जब शातिर ठग सुरेंद्र यादव द्वारा जमा किए गए संपत्ति के दस्तावेजों की जांच की, तो पता चला कि उनके द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति के दस्तावेज पहले से ही सिंडिकेट बैंक और जेएनके बैंक के पास गिरवी रखे हुए थे। संपत्ति भी विवादित पाई गई, जिसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक की शिकायत पर 2016 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया था। केस दर्ज होने के बाद शातिर ठग सुरेंद्र यादव फरार हो गया था। 28 फरवरी 2020 को शातिर ठग सुरेंद्र यादव को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने भी शातिर ठग सुरेंद्र यादव पर 25,000 इनाम रख दिया था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया कड़ी नजर। खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।